जो कि आपका हेलोजन हेडलैम्प के साथ आता है। हेलोजन हेडलैम्प इसलिए दिया गया है जो इसके रेट्रो और क्लासिक लुक को बरकरार रखता है, और बैक व्हील में दोनों में आपको एबीएस देखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी गाड़ी को एक स्मूथनेस मिलती है। जो अगर अपन बात करें राइड जब हम कभी करते हैं तो हमें लगता है यार काश हमारी गाड़ी में एक गियर और होना चाहिए था। ठीक है, आपको इसमें बैटरी इंडिकेशन मिलता है, एबीएस इंडिकेशन है, इंडिकेटर इंडिकेशन है, न्यूट्रल इंडिकेशन है, फ्यूल इंडिकेशन है। नमस्कार दोस्तों, आज आप आए हैं हमारे एसडी जावा शोरूम, जो कि अपने मॉडल टाउन मालवीय नगर में है, जो कि फ्लाईओवर, अपन जगतपुरा की तरफ जाते हैं तो फ्लाईओवर से जस्ट पहले ही आपको देखने को मिलता है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हमारा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिससे आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पे हमारा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जावा जो है वो एक काफ़ी रेट्रो क्लासिक मॉडल है, जिसके हम आज 42 वर्जन की बात करते हैं आपके सामने। तो अगर आप देखते हैं तो ये आपके सामने बाइक है जो कि अपने जावा 42 है, जो कि एक रेट्रो क्लासिक लुक के अंदर दिया गया है। जिसके अगर हम फ्रंट लुक की बात करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलता है आपका हेडलाइट है, जो कि आपका हेलोजन हेडलैम्प के साथ आता है। हेलोजन हेडलैम्प इसलिए दिया गया है जो इसके रेट्रो क्लासिक लुक को बरकरार रखता है। इसी के साथ साथ अगर हम इसके ब्रेक पेडल्स की बात करते हैं तो अपने डिस्क पैड आते हैं। डिस्क जो हैं वो आपके ड्यूल चैनल एबीएस के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम आता है। इसके आपके फ्रंट व्हील में और बैक व्हील में दोनों में आपको एबीएस देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं इसके इंजन पावर की बात करता हूँ तो आपको इसमें 300 cc का इंजन मिलता है, जो कि आपको 27 nm BHP की पावर देता है, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी स्मूथ राइड करने के काम आता है। साथ ही इसमें आपको लिक्विड कोइल इंजन मिलता है, जो कि आपकी गाड़ी को हीटिंग प्रॉब्लम से हम अगर ऑफ रोड राइड करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रश एरिए में या फिर हम बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग टूर ट्रैवल करते हैं तो जनरली हमें एक हीटिंग प्रॉब्लम आती है, ये टेम्परेचर को एडजस्ट करके उसको आपकी राइड को और स्मूथ बनाता है। इसी के साथ में अगर हम इसके हैंडल बार की बात करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। आपको इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, प्लस आपको हैजार्ड स्विच मिलता है कि आप अपनी गाड़ी के चारों इंडिकेटर्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसके अगर हम मीटर की बात करते हैं तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको इसमें बैटरी इंडिकेशन मिलता है, एबीएस इंडिकेशन है, इंडिकेटर इंडिकेशन है, न्यूट्रल इंडिकेशन है, फ्यूल इंडिकेशन है। साथ ही इसमें आपको गियर पोजिशन देखने को मिलती है कि आप किस गियर में गाड़ी को राइड कर रहे हैं, आपको टाइम देखने को मिलेगा, फ्यूल इंडिकेशन मिलता है। प्लस साथ ही आप इसमें आपको नेविगनेशन स्विचेस दिए होते हैं। जनरली हमें पहले मीटर्स में ही ऑप्शन मिलता था कि हम बटन दबा के उसको वहीं से सेट कर सकते थे, अभी वही चीज़ अपने को यहाँ पर स्विचेस के दौरान हाथों में ही दे दी गई, जिससे अपन यहीं से इसका, जैसे कि अपन देख सकते हैं अभी इसमें ऑडोमीटर दिखा रहा है, आप इसको यहाँ से चेंज करके ट्रिप मीटर कर सकते हैं। इसमें दो ट्रिप मीटर मिलते हैं आपको कि आप एक साथ दो जगह का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, कि आपके घर से ऑफिस और ऑफिस से आप कहीं और जा रहे हैं तो वहाँ तक का डिस्टेंस आप इसमें ईजीली ट्रैक कर सकते। अगर हम इसके टैंक की बात करते हैं तो इसका जो टैंक है उसकी कैपेसिटी मिलती है आपको 14 लीटर की, जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिलता है। प्लस इसका जो डिज़ाइन किया हुआ टैंक है ये एक्चुअल स्पोर्टी लुक के अंदर डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि अगर अपन इसकी बात करते हैं तो अपन देखेंगे इसके ऊपर आपको ग्रे कलर की काफ़ी स्पोर्टी लुक में पट्टी मिलती है, जिसपे कि 42 क्लासिक लेजेंड्स लिखा हुआ मिलता है। प्लस साथ ही इसमें आपको ड्यूल एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि इस गाड़ी को और ज़्यादा स्मूथ राइड कराने में, इंजन को और अच्छे से वर्क करने में मदद करता है। प्लस इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, आपके फ्रंट और रियर दोनों व्हील्स में आपको अलॉय मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, जो आपकी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा और अच्छा राइड, अच्छा माइलेज के लिए काम आता है। प्लस साथ ही अगर अपन इसकी बात करते हैं, इसमें सबसे मेन चीज़ जनरली आज अपन कोई भी व्हीकल लेते हैं तो अपने को या तो 4 गियर्स में या 5 गियर्स में मिलता है, ये व्हीकल आपको 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, जिससे कि आपकी गाड़ी को एक स्मूथनेस मिलती है। जो अगर अपन बात करें राइड जब हम कभी करते हैं तो हमें लगता है यार काश हमारी गाड़ी में एक गियर और होना चाहिए था, वो फील आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। प्लस अगर इसके टैंक के ऊपर के कैप की बात करते हैं तो ये काफ़ी क्लासी लुक और जो कि रेट्रो लुक में आता है अपना, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा और डिजाइनिंग लगता है। अगर अपन इसके माइलेज की बात करते हैं तो आपको इसमें एवरेज मिलता है आपको 32-35 के अराउंड में आपको माइलेज मिलता है। प्लस अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो
एक जनरल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग आज अगर अपन डेली यूज के अकॉर्डिंग व्हीकल देखते हैं, एक पावर बाइक के साथ में और स्पोर्टी लुक में, तो ये सबसे अच्छा बेस्ट मॉडल मिलता है, जो कि आपका सिर्फ ऑन रोड कॉस्ट है इसकी 2,43,000 में आपको ऑन रोड मिल रहा है। इसी के साथ अगर आप प्लान करते हैं तो हमारे यहाँ आपको काफ़ी अच्छी एट्रैक्टिव फाइनेंस स्कीम्स हैं, अपने काफ़ी अच्छे बैंक हैं जो कि आपको काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट और प्लस कम से कम डाउन पेमेंट के अंदर आपको ये प्रोवाइड की जाती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर इस व्हीकल को आप चला के देखिए, क्योंकि जब तक अपन इसको चलाएंगे नहीं तब तक हमें इसका फील पता नहीं चलेगा कि जावा ने, जो पहले से आप काफ़ी टाइम से नाम सुनते आ रहे हैं जावा यसडी, तो वो ब्रांड आपको फील करने के लिए आप हमारे नियरेस्ट ब्रांच जो कि जगतपुरा में है आप वहाँ पे विजिट करिए, आपको हमारी तरफ से पूरा टेस्ट राइड कराया जाएगा। इसमें आपको काफ़ी अच्छा फील, राइड कंफर्ट, आपको एवरेज माइलेज वगैरह काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि आपको एक अगर आपके अकॉर्डिंग आप अलग अलग यूनिक मॉडल्स हैं हमारे इसके अंदर, जो भी आपकी रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग आप उसको परचेसिंग या कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार शोरूम विजिट करिए, और अगर कुछ मुझसे बताने में रह गया होगा तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा एड्रेस आपको डिस्प्ले हो ही रहा है, तो आप उसमें जाकर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरीज हैं इसके रिगार्डिंग तो भी आप हमें कॉल करके उसके लिए रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम आपसे कोशिश करेंगे आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी करें।